Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College Nagaon. तो कल अपन ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत औद्योगिकरण के बारे में बात की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की थी. आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन इस टॉपिक पे और बातचीत करेंगे. तो कल अपन ने पढ़ा था कि औद्योगिकरण है उसका मतलब क्या है, ठीक है. फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि औद्योगिकरण ब्रिटेन में ही पहले क्यों आया, इसके काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था. फिर उसके आर्थिक कारण थे, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे और धार्मिक कारण थे, जिसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था. तो आज उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे विशेषताओं के बारे में, फीचर्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका जो बेसिक पार्ट है इस टॉपिक का, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर अपन किस किस चीजों के बारे में अपन लिख सकते हैं विशेषताओं के रूप में. तो जो सबसे पहला पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इस तरह के पॉइंट अगर अपने आंसर में लिखोगे तो बेशक चेक करने वाला अवश्य आपसे इंप्रेस होगा. ये पहला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूड टिल नाउ रादर देन अ स्पेक्टेकुलर इवेंट दैट बिगेन एंड एंडेड सडनली. इसमें लिखा हुआ है कि जो औद्योगिकरण है एक घटना नहीं थी, एक घटना जो घटित हुई और वो खत्म हो गई, तो इस प्रकार की घटना बिल्कुल भी नहीं थी औद्योगिकरण. औद्योगिकरण एक प्रकार का प्रोसेस था, एक प्रकार की प्रक्रिया थी जो लंबी चली और आज तक चली जा रही है. औद्योगिकरण आज तक खत्म नहीं हुआ है, तो एक प्रोसेस था जो 1760s में इंग्लैंड में शुरू हुआ और वो आज तक चला आ रहा है. एक घटना नहीं है जो हुई और उसके उपरांत खत्म हो गई. तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट किताब में आपको मिलते हैं. अगर आप अधिक किताब पढ़ोगे और इस तरह की आप बातों को आप आंसर में लिखोगे तो डेफिनेटली जो एग्जाम जो चेक कर रहा है कॉपी वो 100% इंप्रेस होगा. फिर अपन आगे बात करते हैं. दिस होल प्रोसेस वॉज गाइडेड बाय कैपिटलिज्म, यानी जो औद्योगिकरण है इसका आधार क्या था, पूंजीवाद. पूंजी वर्ग ने ही औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया और उसको अपने पीक पे लेके गया. तो पूंजीवाद इसका प्रमुख आधार है. और पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजीपति वर्ग होता है जिसका कार्य क्या होता है, मुनाफा कमाना, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करना, वस्तुओं का उत्पादन करना, लोगों को वस्तुओं को बेचना, दुकानों पे माल को पहुंचाना और फिर अंततः उनका उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना. और जो पूरा का पूरा सिस्टम है पूंजीवाद वो किस पे आधारित है, प्राइवेट ओनरशिप, यानी निजी हाथों के अंदर उद्योग रहे हैं इंग्लैंड के अंदर भी और जगह पे भी जहाँ पे औद्योगिकरण हुआ है, तो प्राइवेटली ओन सिस्टम रहा है सारा का सारा पूंजीवाद. तो पूंजीवाद एक प्रमुख आधार रहा है औद्योगिकरण का. फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, पूंजीवाद के अंतर्गत ये वाला पॉइंट आएगा फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन. अगली विशेषता क्या है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वस्तुओं का निर्माण किया गया. पहले क्या होता था, घरों में वस्तुओं का निर्माण करते रहे, जो हथकरघा उद्योग था, जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग था, गाँव में वस्तुओं का निर्माण होता रहा छोटे स्केल पे, लेकिन अब फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होने लग गया. तो प्रमुख विशेषता है यानी फैक्ट्री के आधार पे उत्पादन. फिर अपन आगे बात करते हैं अन्य विशेषता के बारे में, मास प्रोडक्शन. औद्योगिकरण के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया उनकी मात्रा बहुत अधिक थी, मास प्रोडक्शन था. मास का मतलब यहाँ पे क्या है, बड़े स्तर पे फैक्ट्री के अंदर मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया और उसके पश्चात उन सभी वस्तुओं को मार्केट तक पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी उन वस्तुओं को पहुंचाया. तो फिर अपन इसके बाद आगे बात करते हैं कि रोल ऑफ मार्केट फोर्स, जिसे अपन आज के समय में कहते हैं जो बाजार की शक्तियां हैं वो प्रभावी रही हैं औद्योगिकरण के अंतर्गत. यानी बाजार को एक बड़ा हाथ दिया गया, बाजार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई औद्योगिकरण के अंतर्गत. तो बाजार की जो शक्तियां वो अधिक मजबूत हुई औद्योगिकरण के कारण. और दूसरा फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड का मतलब क्या, मुक्त व्यापार की नीति को भी प्रोत्साहन मिला औद्योगिकरण के अंदर. क्योंकि क्या हुआ, औद्योगिकरण के अंदर जो पूंजीपति वर्ग है उसका प्रभुत्व स्थापित होने लग गया धीरे धीरे समाज के अंदर. और जो पूंजीपति का वर्ग था वो क्या चाह रहे थे, मुक्त व्यापार की नीति हो, विदेश से व्यापार करने के लिए हमें पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, किसी प्रकार के नियम कायदे हम पे नहीं लादे जाने चाहिए. तो उसको मुक्त व्यापार की नीति कहते हैं जिसको औद्योगिकरण के कारण प्रोत्साहन मिला. फिर अपन आगे बात करते हैं, स्टेट एक्टेड एज फैसिलिटेटर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये पॉइंट आता है कि जो राज्य का क्या योगदान था, राज्य ने एक सहायक भूमिका निभाई, प्रमुख भूमिका नहीं निभाई औद्योगिकरण के अंतर्गत. जो वास्तव में जो पूरी प्रक्रिया थी औद्योगिकरण को, उसको किसने शुरू किया और किसने उसको आगे बढ़ाया, प्राइवेट कंपनीज ने, इंडस्ट्रीज ने. तो राज्य ने केवल सहायक भूमिका प्रदान की, यानी असिस्टेंस प्रदान किया एक प्रकार का इन उद्योगों को, ताकि उनका अत्यधिक
विकास प्रमुख भूमिका नहीं थी, राज्य का इंटरफेरेंस नहीं रहा कि उद्योग किस प्रकार से पनपेंगे या फिर उनमें किस प्रकार का प्रोडक्शन होना चाहिए। स्टेट वाज ओनली ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब यहाँ पे ये है कि केवल सहायक भूमिका निभाई राज्य ने। फिर इसके बाद अपन अगले फीचर के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्शन। यानी एक तो बड़े स्तर पे बड़ी मात्रा पे वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उसके साथ साथ वस्तुओं की गुणवत्ता भी बहुत अधिक थी पहले की बजाय। पहले हथकरघा उद्योग हुआ करते थे जिनकी इतनी क्वालिटी नहीं होती थी, वो वस्तुएं लंबे समय तक टिक भी नहीं पाती थी। लेकिन अब क्वालिटी प्रोडक्शन होने लग गया, जिन भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनकी गुणवत्ता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी थी। फिर अगली विशेषता क्या है, इट वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया वो लंबे समय तक चली है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करें, जो फ्रांसीसी क्रांति है वो आई और 20-30 साल तक रही, उसके बाद खत्म हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसी प्रकार से अमेरिकी रेवोल्यूशन है, कुछ सालों तक रहा उसके पश्चात वो खत्म हो गया। लेकिन औद्योगिकरण एक ऐसी क्रांति है जो 1760s में शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। तो इसमें लिखा हुआ है कुल मिला के लगभग 150 सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही। फिर इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं, इसके विशेषता के बारे में, कंज्यूमर गुड्स। फोकस किस पे रहा औद्योगिकरण के अंतर्गत? जो बल दिया गया वो उपभोगितावादी वस्तुओं पे अधिक बल दिया, यानी वह वस्तुएं जिनका उपभोग करना आसान हो जाए, जो उपभोक्ता हैं उनके पास उन वस्तुओं को पहुंचाया जाए और जिनका तुरंत उपभोग हो जाए, यानी इमीडिएट कंजम्पशन की चीजों पे अधिक फोकस किया गया, जिनको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, उपभोग वाली वस्तुएं। तो इनका अधिक प्रचलन रहा औद्योगिकरण के अंतर्गत। फिर अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जिसके बारे में अपन बात करें, टेक्सटाइल, कपड़े, कपास। कपास के माध्यम से मशीनों के द्वारा फैक्ट्रियों में बड़े स्तर पे कपड़ों का उत्पादन किया गया, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत अधिक हुआ औद्योगिकरण के कारण। और क्यों हो पाया? क्योंकि देर भर मैकेनाइज्ड कॉटन स्पिनिंग एक ऐसी मशीन थी जिसके माध्यम से रुई को वीव करना आसान हो गया, कपड़े बनाना आसान हो गया। और मशीन किसके माध्यम से चलती थी? स्टीम पावर्ड। जैसे आपको पता है कि भाप के माध्यम से स्टीम इंजन बनाया गया, उसी प्रकार से भाप का प्रयोग करते हुए, भाप की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी मशीनें तैयार की गई जिसमें ऑटोमेटिकली कपड़ा है वो तैयार हो जाए और ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। तो बहुत ही बड़े स्तर पर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन किया गया और इतना अधिक प्रोडक्शन हो गया कि उन कपड़ों का करें क्या, तो उन्होंने उन कपड़ों को भारत जैसे देशों में भेजना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफा कमाया उन्होंने। और जैसे एक यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स लिख रखी है जिसको अपन सांख्यिकी कहते हैं, एक इसमें उदाहरण दे रखा है कि जैसे कभी भी अपन आंसर लिखते हैं, अपन एक एनालिटिकल बात की, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत अधिक बढ़ गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय के अंदर, उसको सपोर्ट करने के लिए अपन एक फिगर को भी कोट कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स को भी कोट कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिख रखा है कि 1780 से लेकर 1840 के बीच में, देखो कितना टाइम पीरियड है, 1780 से 1840, इसका मतलब हो गया लगभग 60 साल। तो इन 60 सालों के दौरान टेक्सटाइल का प्रोडक्शन 50 गुना बढ़ गया। तो कितना अधिक टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बढ़ा है? तो इस तरह की चीजें आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए, ज्यादा नहीं लिखनी चाहिए। एक आंसर में अगर आपने 2 या 3 इस तरह के स्टैट्स डाल दिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बात यह है कि इस तरह के उदाहरण आपके आंसर को अधिक कंप्लीट बनाते हैं। फिर एक आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, हुएवर सीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सीज कॉटन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति औद्योगिकरण को देखता है उसको केवल कपास नजर आता है। अभी किसी हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है, इसको अपन को एक्सप्लेन करना है, तो इसमें वही सारी चीजें आएंगी कि औद्योगिकरण में सर्वाधिक बल किस पे दिया गया, टेक्सटाइल के ऊपर, कपड़ा प्रोडक्शन के ऊपर। किस प्रकार से कपड़ा प्रोडक्शन है, उसमें कपड़ों के प्रोडक्शन में क्रांति आ गई, मैकेनाइज्ड कॉटन स्पिनिंग, बड़ी बड़ी मशीनें तैयार की गई जो भाप के माध्यम से चलती थी, इसके द्वारा बड़े स्तर पे कपड़ों का प्रोडक्शन होना संभव हुआ। अपन ने और कल अपन ने बात करी जैसे स्पिनिंग जेनी है, कई प्रकार की मशीनें और बनाई गई थी जिसके माध्यम से तीव्रता आई कपड़ों के प्रोडक्शन में। तो इन्हीं चीजों के बारे में लिखना है, हुएवर सीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सीज कॉटन। इसके बारे में अपन और चीज के अंदर और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, अपन को केवल कपास पे केंद्रित करना है अपना आंसर। और आईएएस में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी यही होती है, जो पूछा है उसके बारे में आप लिखो, फालतू की बातें मत करो इसमें। अगर आप बैकग्राउंड के बारे में बात करने लग जाओगे, प्रभाव के बारे में बात करने लग जाओगे, जनरल चीज नहीं लिखनी। यू हैव टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कॉटन, की कॉटन का प्रोडक्शन किस प्रकार से बढ़ा। उसमें आप ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो, स्टेटिस्टिक्स भी डाल सकते हो, इन 60 सालों में कपड़ों का प्रोडक्शन है वो 50 गुना बढ़ गया।
तो आज अपन ये छोटा सा ही वीडियो बनाते हैं। मेरे को पूरी आशा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप लोगों को अत्यधिक लाभ हो रहा होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें अप्रोच आईएएस एग्जाम के, किस प्रकार से आप अच्छे आंसर आईएएस के एग्जाम में लिख सकते हो, और अगर आप उस एग्जाम के लायक अपने आंसर फ्रेम कर सकते हो तो बीए और पीजी के लेवल में तो आप बहुत ही अच्छे आंसर लिख सकते हो। क्योंकि आईएएस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप तैयारी करोगे, फिर पीजी और यूजी में उसके आंसर लिखोगे तो पढ़ने वालों को पता ही नहीं होगा कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाया, वो 100% इंप्रेस होंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन पे। तो मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।